स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे बिहार की फेमस लिट्टी और चोखा बनाना सिखाने जा रही हूँ। चोखा मैंने यहाँ पे आलू का बनाया है, कुछ लोग बैगन का भी बनाते हैं, और साथ में मैंने इसको यहाँ पे लिट्टी बनाई है, वो भी किस तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से फटाफट बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये देखिए, इसके लिए ना यहाँ पे मैंने वीट फ्लोर को लेकर के, यानी कि गेहूं को, आटे को लेकर के, इसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल करके गूंद लिया है। मैंने यहाँ पे इसको फूड प्रोसेसर में गूंदा है, आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, और फ्रूट प्रोसेसर में आप आटा कैसे गूंद सकते हैं इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे सत्तू ले लिया है। सत्तू बिहार में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सारी डिशेज बनती हैं इससे और बहुत ही ताकतवर होती है। ये चने का ही आटा होता है, बट रोस्टेड चने का आटा होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही ताकतवर होता है। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिससे आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाएगा और आप इसको जान पाएंगे। तो चलिए, क्या किया मैंने यहाँ पे ले लिया है सत्तू, आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक कप सत्तू लिया है, साथ ही मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन गरम कर लिया है, वो देखिए हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, करीब 2 बड़े चम्मच, और जब ये हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, क्योंकि हमारा तड़का बन गया था, इसमें डालेंगे अजवाइन, जरा सी मिर्ची, और साथ ही हम इसमें डालेंगे हींग बस। अब ये जो तड़का है हमारा यहाँ पे जो तैयार हुआ है, इसे हम यहाँ पे इस आटे में डायरेक्टली मिला देंगे। बहुत तेज गर्म है इसलिए आप इसे हाथ से मत मिलाइएगा, पहले थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा होने देंगे, इस तरीके से चम्मच से मिला लेते हैं और इसको यहाँ पे जरा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे पानी की सहायता से थोड़ा सा गूंद सा लेंगे। बेसिकली हमें इसे खट्टा करना है ताकि ये लड्डू जैसा बन जाए, तो जितना पानी इसमें चाहिए बस उतना लगा के इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। इसमें ना अभी गर्म बहुत है, तो इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे पहले तो। इसमें हम थोड़ा सा साथ ही में ऐड करेंगे नमक, याद रखिए कि हमने जो गेहूं का आटा गूंदा है उसमें भी नमक डाला हुआ है, तो ध्यान से इसमें स्वाद के अनुसार आप नमक एडजस्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे करीब इसमें 1/2 चम्मच नमक ही डाला है। इसको अच्छे से इस तरीके से मसल लेंगे हम। और फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार, इस तरीके से बस इसको इकट्ठा कर लेना है। ये हमारा इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे सत्तू, और अब हमने क्या किया है, जो यहाँ पे गेहूं का आटा गूंद करके रखा है इसकी हम लोइयां बनाएंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लेकर के इसकी हम लोई बनाएंगे, इस तरीके से लोई बनाएंगे, फिर हम इसमें यहाँ पे थोड़ी सी प्लेस बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से थोड़ा सा हम लेंगे ये सत्तू और इसको हम यहाँ पे फिल करेंगे ये इस तरीके से। ये देखिए, पूरी तरीके से हम उठा लेंगे और इसको हम हाथ पे मल के एकदम गोल बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये एकदम गोल हो चुकी है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये अप्पे पैन को गरम कर लिया है और मैं इस पे यहाँ पे इसको रखते जा रही हूँ, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अच्छे से भूनने वाली हूँ। अब इसको भूनने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अप्पे पैन का इस्तेमाल किया है, और मैं चाहती हूँ कि अप्पे पैन की जो गैस है इसमें कम लगे, क्योंकि ये बहुत पतला है, बहुत जल्दी जल जाएगा, अंदर तक कुक नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरीके से ये लोहे का तवा, मैंने अपना नॉर्मल चपाती बनाने वाला तवा है, आप
ये मोटा तवा मैंने इसके नीचे लगा दिया है ताकि ये धीमी धीमी गैस पे अच्छे से पक सके। इसको पकाने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको आज सिखा देती हूँ, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिए और अच्छे से पकाई हुई लिट्टी ही खाइए। ये देखिए क्या करना है, हम इसे बीच बीच में ना थोड़ा सा ढक देंगे, और ये ढकने से क्या होगा, इसकी हीट जो है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, बाहर निकलेगी नहीं इतनी आसानी से, तो ये जल्दी थोड़े से कुक हो जाएंगे और अंदर तक के कुक होंगे। तो इस तरीके से हम बीच बीच में इसको ढकते रहेंगे हटाते रहेंगे, ढकते रहेंगे हटाते रहेंगे। जैसे 5 मिनट के लिए हमने ढका, फिर हमने हटा दिया, 5 मिनट के लिए खोल दिया, फिर हमने 5 मिनट के लिए ढक दिया। इस तरीके से हमें करके इसको अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, ये हमारी जो लिट्टी और बाटी है दोनों बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए अच्छे से ये, और इसमें से ना एक खुशबू भी आने लगी है, जिससे कि मुझे पता चल रहा है कि ये हो चुकी है अच्छे से। अब क्या करना है, इसको सर्विंग करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मान लीजिए बना भी ली बट इसको सर्व अच्छे तरीके से नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये मैंने ना इनको एक डिब्बे में रख लिया है यहाँ पे, और इसको है ना कोई भी आप वजन की चीज ले लीजिए और थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे तोड़ दीजिए, क्योंकि तोड़ी हुई ही अच्छी लगती है और खाने में भी आती है। तो इस तरीके से थोड़ी सी हमने तोड़ ली है। चोखा बनाने के लिए मैंने क्या किया है, लिया है यहाँ पे, ये लिए है मैंने उबले हुए आलू, एक टमाटर जिसको कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, चॉप की हुई हरी मिर्च, और मसाले में यहाँ पे लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे इसको हम मैश कर लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ, अच्छे से हम यहाँ पे इसको मैश कर लेते हैं। आपके पास मैशर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तो लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और इन्हें यहाँ पे एक बार अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये चोखा बन करके तैयार है, और इसे कैसे सर्व करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये लिट्टी और साथ में है चोखा। ये जो लिट्टी है वो सत्तू भरी हुई है, और यहाँ पे इसको घी में डुबोने की जरूरत नहीं है। बाटी को हम घी में डुबाते हैं, पर हम लिट्टी को इसी तरीके से, खाली लिट्टी और चोखा ही फेमस है बिहार का, और इस तरीके से हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो जब मर्जी तब बनाइए, खाइए और मजे लीजिए। धन्यवाद। आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर।